आज हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो एक साइड हम ले लेते हैं अपना होमोजीनियस और दूसरे साइड हमने ले लिया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे बच्चों? ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों पूरे मिक्सचर में। मींस जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के वो एक समान तरीके से बटे हुए होंगे पूरे मिक्सचर में। अगर हम देखें दो सब्सटेंस लेते हैं, एक वाटर और एक सुगर, तो सुगर को हम वाटर में डाल देते हैं और उसको अच्छे से सेक कर देते हैं। सेक करने के बाद क्या होगा कि जो सुगर के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, मींस हमको दिखेंगे नहीं। तो अगर हम उस सॉल्यूशन में से, उस मिक्सचर में से कुछ पार्ट निकालें तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे वाटर अधिक होगा या फिर कहीं पे सुगर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, जो सुगर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे वाटर में वो हर जगह ही सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। मीन्स जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे मिक्सचर में। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट्स नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कि अगर हमने वाटर लिया और उसमें हमने सैंड डाल दिया, तो अगर उसको हम सेक भी कर देंगे तो भी क्या होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मींस जो थ्रू आउट सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर में वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सैंड के पार्टिकल्स वाटर में। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक, दूसरा डिफरेंस ये बोल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमको इजीली दिखते नहीं है। ठीक है, मींस हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि अभी हमने सुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया था या सुगर और वाटर का मिक्सचर लिया था, तो उसमें जब हमने सुगर को सेक कर दिया वाटर में तो क्या हुआ, सुगर के पार्टिकल्स क्या उसमें दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, मींस जो कंपोनेंट्स होंगे होमोजेनस मिक्सचर के वो हमको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जैसे अभी हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया था, तो उसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे तो सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो हमको अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे, मींस हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें, कंपोनेंट्स आर विजिबल
नेकेड आई। ठीक, तीसरा अगर डिफरेंस हम बताएं तो क्या बता सकते हैं स्टूडेंट्स, जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हम इजिली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वाटर और शुगर का, क्या आप इजिली हाथों से उसको नॉर्मल तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हो शुगर और वाटर को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजली। बट बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के साथ ऐसा नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हम नॉर्मल तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था इसके पहले वाटर और सैंड का, तो उसमें से अगर कुछ टाइम तक हम रख दें उस मिक्सचर को तो क्या होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएंगे और उसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इजिली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स होंगे कंपोनेंट्स के, उनकी जो साइज होगी वो बहुत ही छोटी होती है, साइज में वो बहुत ही स्मॉलर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम उनको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं है, उनके जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो लार्जर होती है, बड़ी होती है, इसी वजह से हम उसको आसानी से नेकेड आई से देख पा रहे हैं। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल साइज इज स्मॉलर, और इसमें क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल साइज इज लार्जर। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आप एक और बोल सकते हो डिफरेंस, कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, थ्रू आउट उनका जो फेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पूरे मिक्सचर का जो फेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि वाटर और शुगर का मिक्सचर हमने लिया, उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो भी वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व होने के बाद वो जो मिक्सचर मिलेगा उसका हर जगह सेम फेज होगा, मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे सॉलिड रहेगा और कहीं पे लिक्विड रहेगा, तो पूरे मिक्सचर का जो फेज है वो क्या है, सेम है, मींस एक ही फेज में वो प्रेजेंट है। लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था सैंड और वाटर के मिक्सचर का, तो जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक, वो अपनी स्टेट मेंटेन किए रहते हैं, मींस अपने ही फेज में वो बने रहते हैं। उनकी फेज कौन सी होती है, सॉलिड, तो जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड में ही रहेंगे, बट जो वाटर है वो लिक्विड है तो वो लिक्विड में ही रहता है। तो उसमें कितने फेज आ गए, मिनिमम दो फेज आ गए यहाँ पे, एक सॉलिड हो गया और दूसरा लिक्विड हो गया। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में है और जो वाटर है वो लिक्विड में है, तो वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट रहते हैं थ्रू आउट मिक्सचर में। लेकिन होमोजीनियस के केस में जो होता है, पूरे मिक्सचर का एक ही फेज होता है। ठीक, तो हम फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, होल मिक्सचर इज इन द सेम फेज। लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में हम क्या लिखेंगे,
मिक्सचर इज नॉट इन द सेम फेज तो ये हमारे मेन डिफरेंसेस हो गए होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। एक बार हम सभी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। पहला है कि जो कंपोनेंट्स होंगे होमोजेनियस मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट मिक्सचर में, लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में जो कंपोनेंट्स होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है होमोजीनियस मिक्सचर के केस में वो ये है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट्स होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होंगे जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। तीसरा जो है वो ये है कि जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में हम बोल सकते हैं तीसरा पार्ट वो ये कह सकते हैं कि उनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल की साइज है होमोजीनियस मिक्सचर के वो क्या है, स्मॉलर है, छोटी है, इसी वजह से हम उसको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की पार्टिकल्स की जो साइज है वो क्या है, लार्जर है, ठीक है, इसी वजह से हम उसको नेकेड आई से देख पा रहे हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट होमोजीनियस मिक्सचर के केस में ये है कि जो पूरे मिक्सचर का फेज होता है वो सेम होता है, ठीक, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें पूरे मिक्सचर का जो फेज होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया था तो उसमें सैंड का फेज अलग है और वाटर का फेज अलग है, ठीक।